अच्छा ठीक है, थैंक यू, हम चलते हैं। देखो कंपनी ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसे अच्छे से हैंडल करना, कोई लापरवाही ना हो। विश यू गुड लक। कहाँ है वो? आ जाएगा, आ जाएगा। ब्रो बोल देना। अरे मेरी जान कहाँ जा रही है, चलना आजा। हाँ ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बाय मम्मी, संभाल कर। बाय डैडी, बाय। घर तो बहुत अच्छा है भैया। बहुत अच्छा है, पूरा वेंटिलेशन है। हाँ, वो ऊपर के फ्लोर में भी है। बहुत ही बढ़िया है यार। कॉफी लीजिए। कॉफी लीजिए भैया, कॉफी लीजिए ना। हाँ ठीक है, आप लीजिए। इतनी जल्दी कॉफी भी आ गई, वाह। थैंक यू दीदी। सफर करके थक गए होंगे ना, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, साथ में खाएंगे। चलेगा। अरे हाँ, पहले इसे घर का किचन दिखा दीजिए। ये देखिए ना, सामने ही है। ठीक है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। ठीक है। अच्छा तुम्हारा एक बेटा भी है ना, क्या करता है वो? अच्छा वो बदमाश कहीं का एग्जाम देने गया है आज। अच्छा बस आता ही होगा। ए, तेरा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा हुआ। ए उधर देख। उसका एग्जाम कैसा हुआ, चलो चलकर पूछते हैं। चलो। ए राजू 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 रुको ना, क्वेश्चन पेपर दिखो, देखते हैं कितने मार्क्स लाने वाले हो तुम। देखो मुझे भी जाना है। ए, 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 रुक, 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 रुक जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी लेडी साइकिल चलाते हो। देखो मैं औरों की जैसा नहीं हूँ, मैं लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं करता, मुझे जाने दो। जितने क्वेश्चन पर टिक मार्क किया है वो सब तो लिख कर आया है क्या? जितने भी सवाल थे सारे के सारे मुश्किल थे और तुमने सारे सवालों के जवाब दे दिए। देखो इस बार मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए सभी क्वेश्चन को मार्क कर दिया। चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, जान बच गई मेरी। मैं चलाता हूँ लेडीज साइकिल, पर चलाने वाला है पूरा जेंट्स। अरे साइकिल, मैंने तो इसे बेवकूफ समझा था मगर ये तो बहुत शाना निकला।
आओ बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुंबई से अंकल और आंटी आने वाले हैं। यही हैं वो, गीता आंटी, बालू अंकल। हेलो, नमस्ते आंटी। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते अंकल। और ये है मेरा बेटा राजू। मेरा बेटा बोल के इसका दिमाग मत खराब करो। हे, क्या ये यार, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ, बार बार बोलता हूँ सुधरने के लिए, सुधरता ही नहीं है ये। अरे सुधर जाएगा, डांटो मत। तू खाना खाओ बेटा, का फोन है। और तू? हेलो, मुझे दीजिए ना, मैं भी बात एक मिनट। मुझे हमेशा डांटते हैं। बोलो शंकर, कैसे हो बालू, ठीक ठाक पहुँच गए ना? हाँ यार, आराम से पहुंच गया और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अरे रुको ना, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? अरे तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से कह रहा हूँ। जरा गीता को फोन देना। हाँ देता हूँ। हाँ, ये लो। हाँ हेलो भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, तुम जरा बालू की तबीयत का ध्यान देना। ठीक है भैया, काम के चक्कर में बहुत बिजी रहता है। लेकिन मधु का एग्जाम खत्म होते ही उसे भेज दूंगा, उसके लिए चिंता मत करना। हाँ ठीक है भैया। हाँ ओके बहन, बाय। अच्छा लगा यार भैया, बाय। और दूं तुझे? अंकल, मधु तो मुंबई में पैदा हुआ है, तो क्या उसे कन्नड़ बोलनी आती है? लेकिन क्यों पूछ रहे हो? मैं सब कुछ जानता हूँ अंकल, मेरे पापा मुझे हमेशा ना फालतू डांटते रहते हैं। उसे कन्नड़ नहीं आती, ये तुमसे किसने कहा? मैंने खुद ने। अरे भाई, वो मेरा बेटा है, अपनी भाषा से प्यार करता है, अपनी भाषा पर जान छिड़कता है। वो कहता है मैं शादी कन्नड़ लड़की से ही करूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो अंकल? लगता उसे कन्नड़ लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता। यहाँ की लड़कियाँ ना एक नंबर की चालू है अंकल, बहुत तेज है। किसकी बात कर रहा है? चुपचाप ये वापस ले ले, नहीं तो काट दूंगी। क्या कहा? तेरी जुबान। अरे बाप रे, मेरी माँ, मैंने जो कुछ कहा मैं वापस लेता हूँ, अब आप यहाँ से जाइए। अंकल वो देखो ट्रेन आ रही है, चलिए। चलो। वाओ हैंडसम, ये तो एकदम हीरो की तरह है यार, टच करने का मन कर रहा है। स्टाइल मारना बंद करो, नीचे उतर, पीछे और लोग खड़े हैं। ओ सॉरी। इससे मिलो, ये राजू है, मेरे दोस्त भुजंग का बेटा। हाय पॉप्स, कैसी है मेरी डार्लिंग गीता? अच्छी है, आजा। मैं चाहे कैसे भी रहूं, अगर तू ठीक है तो सब ठीक है। अरे माँ, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम था ना। आई एम सॉरी। मनाना बहुत हो गया, अंदर चल। क्यों, जलन हो रही है आपको? डैड। हाँ? मैं और राजू बंगलुरु घूमने के लिए जा रहे हैं। कैसे जाओगे, किसी के पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी क्यों नहीं है? हाँ? जानते हो, बेटे के मामा ने जो प्रेजेंट किया था वही गाड़ी है। ये है ना, इसे ले जाओ और घूम कर आओ। ओके। मेरी माँ मुझे भले खाना देना भूल जाए, पर कुत्तों को खाना देना कभी नहीं भूलती। वो तेरा भाई सही है कहा बेटा, ये कुत्ते ही तो हैं जो घर का ख्याल रखते हैं। क्या आंटी, क्या गाड़ी है आंटी, गाड़ी खरीदने की आपकी जो चॉइस है ना, बहुत बढ़िया है, सुपर गाड़ी है आंटी। लेकिन तुम्हें कुछ पूछना है और कुछ तो पूछ लो। अबे तेरे बाप के बारे में पूछना है? वो तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, ये दोनों आपस में इतना झगड़ते हैं, इनके झगड़े के बीच में मैं कैसे पैदा हो गया समझ नहीं आता। देख जरा आंटी को, देखना ऐश्वर्या राय जैसी लगती हैं। और इनकी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी। ये देखो आंटी, नाम लेते ही जोड़ा भी आ गया। हाय। तो तीनों मिलकर क्या डिस्कशन कर रहे हैं? वो गांव वाले जो मामा जी है ना, वो आए थे कल, पता है उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है और बालू की फैमिली को भी इनवाइट किया है, तो हम सब मिलकर शादी में जाएंगे। मुझे कुछ और काम है, मुझसे नहीं होगा। ओ तुम भी नहीं जा रहे? मैं भी नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। अरे बच्चे लोग है ना, वो चले जाएंगे, यहाँ की शादी बहुत जबरदस्त होती है, एंजॉय करो। यस ये ये जाएगा तो मेरी इज्जत। अरे यार चुप रहो, ये तो अच्छा लड़का है, जब देखो डांटते रहते हो।
ठीक है जाओ मजे करो तुम दोनों मजे करो। दिखाई नहीं देता है क्या? गाड़ी रोको इधर आ, खुद को समझता क्या है? इसे चाहिए हाईवे का गाड़ी चलाते वक्त सामने और लेफ्ट राइट सब जगह देखना होता है, पता नहीं है क्या? सॉरी आपको मैंने दिखा नहीं। सॉरी ना कचरे के डब्बे में डाल, आजू बाजू देख कर नहीं चला सकते क्या? सो सॉरी। ए तुम जैसे लोगों को ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इडियट्स। अब क्या करें, अब कहाँ जा रहा है? अरे जल्दी जल्दी काम करो बेटा। ओह आजा नमस्ते बेटा, आजा। जी। क्या हुआ, मम्मी पापा नहीं आए? वो लोग नहीं आ पाए, मैं और बालू अंकल का बेटा आया है। अरे मधु ये अपने दादाजी हैं, हम इन्हीं की पोती की शादी में यहाँ पर आए हैं। नमस्ते दादाजी। ये बालू का बेटा है? हाँ। कितना बड़ा हो गया है, अच्छा है अच्छा है। चलो बेटा अंदर चलते हैं। हाँ। शिवन अब तक क्यों नहीं आया? नमस्ते अंकल। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ सब ठीक है ना? सब ठीक है अंकल। मम्मी पापा नहीं आए क्या? उन्हें कुछ काम था इसलिए मैं और बालू अंकल का बेटा आया है। बालू अंकल का बेटा क्या? अरे भूल गया, तेरे बचपन का दोस्त। हाँ, बालू अंकल। अरे सुखी रहो बेटा, तुम बालू के बेटे। हाँ। हो वो हमें याद करता है क्या? सिर्फ याद ही नहीं करते अंकल, हमेशा आपके और इस गांव के बारे में बताते रहते हैं। वैसे ये गांव मुझे भी बहुत पसंद आया। वेरी गुड, आजकल के बच्चे शहर जाना चाहते हैं और ये कह रहा है इसे गाँव पसंद है। तुम सब लोग शादी में जाओ, मैं इसे अपना घर दिखा लाता हूँ। अंकल नमस्ते, नमस्ते। आचार्य जी सब ठीक चल रहा है ना? जी सब ठीक चल रहा है। अरे सुन मधु, मुझे अर्जेंट में जाना है यार। अबे चुप ना। अरे सुन ना, बहुत अर्जेंट है यार। अबे चुपचाप चलना। सच कह रहा हूँ कि अर्जेंट तो मानता नहीं है। अच्छा सरोजा। जी ठीक है मालिक। अन्नपूर्णा वो मेरा दोस्त बालू है ना, उसका बेटा है मधु। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अरे लाई क्या? लाओ ये लीजिए। हाँ ये लो, संभल के जाना। सरोजा। जी मालिक। इन लोगों को ऊपर लेके जाओ, जल्दी तैयार होके आना। आइए मालिक आइए। पूर्णा तुम्हारा मंगलसूत्र। अरे बाप रे। आंटी। हाँ। मुझे ना अर्जेंट में खेलने जाना है। यहीं पर खेल लो बेटा। हाँ? इनके सामने? अरे नहीं आंटी, वो वाला खेलने नहीं आंटी। छी बाथरूम उधर है, जाओ। थैंक यू। आप ऊपर जाइए मालिक, मैं आती हूँ। ए यहाँ जरा मेरी जिप लगा। हाय। कौन हो तुम? यहाँ अंदर कैसे आए? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? चलो निकलो यहाँ से। सरोजा सरोजा क्या हुआ मालकिन? हाय। आप यहाँ हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने ही इन्हें भेजा है। कौन है ये और यहाँ किसने भेजा? पापा ने भेजा है। पापा ने? और क्या? सपना जी आई। अरे सुनिए तो मैं... चला। अरे तुम अच्छा खाना खा रहे हो क्या? माँ मैं शादी में जाकर आती हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ ठीक है। हे तैयार हो गई तू? हो गई आ रही।
मारूंगा तुझे, ठीक से बैठना। कौन है वो? ये मेरा फ्रेंड राजू है। किसका बेटा है? किसका बेटा? ये भुजंग जी का बेटा है। अरे इसका चेहरा देखिए, मुझे ऐसा लगा इसके पापा भी ऐसे ही होंगे। और ऐसे चेहरे वाले ना हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझसे शादी करने को कहते हैं, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। और ये भी कहते हैं किस काले भूत से शादी कर ली। ऐसी कहावत है, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। हाय राम मेरी किस्मत। अगर मैं भुजंग जी से शादी करती ना तो जरूर मेरा इसके जैसे चेहरे वाला ही बेटा होता। क्या बात है यार, तेरे पापा तो बहुत धूम मचा चुके हैं। मेरे पापा तो ऐसे कामों में माहिर हैं। जिप। अरे अरे खुला है, तेरी नहीं, जिप। अरे उठो। ए कहाँ देख रहे हो अक्षत, लो फटाफट। थैंक यू। मंगलसूत्र लो, कन्या के गले में बांधो। मधु इसका क्या करना है यार? डाल ले अपनी सर पे। ए कितना सोएगा? कृपया सब लोग खाना खा के जाइएगा, बिना खाए मत जाइएगा। जी ठीक है। ए मधु चलना यार चल। ए सपना ये क्या बात हो गई? तुम दुल्हन को अकेले छोड़ के आ गई? पति आए हैं ना, एक दूसरे को देखने दो, हम क्यों इन दोनों के बीच में आए। तुम्हारी भी शादी ऐसे ही होगी, जाओ यहाँ से। अरे बाप। अरे नहीं बाबा आप जाइए। कैसे लोग हैं? अरे अरे कुछ नहीं। हा? अरे तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना, अनजाने में तुमसे सामर गिर गया तो उसके लिए पैर छू के माफी क्यों मांग रही हो? इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। हा? हा? चलो बाय। अरे मधु कल की शादी कैसी लगी? हमारा गांव कैसा लगा? आंटी आपका गांव बहुत अच्छा है, वहीं पर रहने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा हमारा गांव ऐसा ही है। सिर्फ इतना ही नहीं आंटी, आपकी सौतन भी मिली थी। हाँ अब अंकल को बहुत मिस कर रही थी, उनसे बहुत नाराज है वो। अगर सच में मेरी कोई सौतन है तो आपकी आंखों के सामने ही मरूंगी, मेरे मरने के बाद कर लेना उससे शादी। थैंक्स, नो मेंशन। क्या मधु सुबह सुबह आग लगा दी तुमने आज। मधु पूछूं क्या कि राजू के कॉलेज में तुझे सीट मिलेगी? डाउट है डैडी, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ। अंकल राजू तैयार है क्या? अरे वो बेवकूफ ना, जब से शादी से आया सोया पड़ा है, एक नंबर का लापरवाह, किसी बात की कोई चिंता नहीं। सुनंदा अरे जो बोलता हूँ कोई सुनता भी है? मैं खुद ही जाके जगा देता हूँ उसे। यार मधु अब मुझे कोई डर नहीं है। क्या बोला, तुझे डर नहीं लगता? न्यू एडमिशन है क्या? ए, ये क्या अपने फ्रेंड से इंट्रो नहीं कराएगा?
ये मेरा दोस्त है, मधु नाम इसका। हाय हाय। इससे पहले कहाँ पढ़ता था? मुंबई में। हो जाइए। मुंबई से हमारे कॉलेज में आए हो, पार्टी नहीं दोगे क्या? मैं तो रेडी हूँ, आप लोग रेडी हो ना? तो चलो फिर चलते हैं। अच्छा तेरा सेक्शन कौन सा है? हम दोनों का सेक्शन एक ही है। अच्छा। ना बता तो तेरी छुट्टियां कैसी रहीं? बहुत अच्छी थी यार। हाय, तुम्हारा भी यही कॉलेज है क्या? नहीं, बाजू वाला कॉलेज है। कौन हो तुम? अरे वो मैं गांव में, वो अपनी जिप का बात करने के लिए जिप का बहाना मत बनाओ, चुपचाप यहाँ से जाओ। अरे वो क्या, कौन है यार वो? तुमसे ऐसे बात कर रहा है जैसे काफी दिनों से जानता है तुम्हें। अरे मेरे गाँव आया था और तभी, मतलब सब कुछ हो गया क्या? What? पहचान, एक मिनट रुक, पागल है ये लड़की। तुम मुझे बुला रही थी? वो कह रही थी आप अच्छे से लगाते हो जिप को। ए, सपना अपने कॉलेज में पढ़ती है, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ठटा, तुमने तो पूछा ही नहीं। पूछा नहीं तो क्या, बताना नहीं चाहिए? अरे भाई, ये लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। ये आबे, अरे सब लोग चलो यार। कौन है ये न्यू एंट्री? हमारे ही क्लास में है, न्यू एडमिशन। हाय हाय, क्या नाम है तुम्हारा? मधु। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे नाम का आधा नाम रख लिया। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक्स। ये सब क्या है? घर कितना जबरदस्त सजा हुआ है, कितना अच्छा है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये अपना ही घर है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हे, थैंक यू थैंक यू। ये सब इसका ही काम है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू माय हैंडसम पापा एंड ब्यूटीफुल मम्मी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा। दीदी, हैप्पी एनिवर्सरी। वाह वाह, शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। हे, तुम लोगों से किसने कहा? और कौन, आपके बेटे ने? मेरा भी एक बेटा है, वो कब पैदा हुआ उसे ही नहीं पता। मजाक कर। हाँ बोलो शंकर। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू शंकर। थैंक यू। हाँ देता हूँ। ये लो। हेलो शंकर भैया। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू शंकर भैया, थैंक यू सो मच। मधु ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कर लिया है भैया। एक मिनट, उसी से बात कीजिए। हाय अंकल, हाउ आर यू? एकदम फाइन। क्या अंकल, आपको देखने का मन कर रहा है, आप कब आ रहे हो बताइए ना। मेरा भी तुम लोगों से मिलने का मन हो रहा है, बहुत जल्द आऊंगा। ओके अंकल, फाइन, बाय, टेक केयर। ओके बाय। मैं भी वही सोच रही थी, प्रोजेक्ट में हम सबका नाम डाल देते हैं, जल्दी फिनिश हो जाएगा, है ना? हाँ। हाय। क्या है? हम दोनों दोस्त बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तू चल तो। चल। चलो। भाई। उसने बात नहीं की तो क्या हुआ? मैं हूँ ना यहाँ बात करने के लिए। ए मधु, तू इससे कर ले फ्रेंडशिप। मेरी मम्मी को मार्केट जाना था, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, चलो चलता हूँ। ए चल। ए। ए, चलना यार। हाँ। हाय। ए, इतनी देर से कहाँ था तू? मैं तो कब का आ गया था। मुंबई में तुम भाव करके भाजी खरीदती थी ना माँ,
तो यहाँ कैसे मैनेज कर रही हो वही देखना था मुझे। अच्छा ये बताओ, देख सारा सामान तो ले लिया ना? हाँ। एक चीज तो भूल गई। क्या? दिमाग खरीदना भूल गई। तुझे ना मारूंगी मैं। हाय। हाय। सारे सामान खरीद लिए तुमने? हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कौन है ये लड़की? ये मेरा नाम मधुलता है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। हम दोनों क्लासमेट्स हैं। फ्रेंड्स नहीं बोल सकते क्या? हाँ फ्रेंड्स हैं। अभी खुश हो ना? थैंक्स। आंटी आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, इसी ने कहा था मार्केट जाएंगे और बाद में लेट आ रहा है और अब मुझे ही सुना रहा है। देखो तू। छोड़िए आंटी, नेक्स्ट टाइम मार्केट आने से पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक रहेगा ना? ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, एक बार हमारे घर जरूर आना। ठीक है आंटी। चुप करो ना माँ। ओके आंटी, बाय बाय। क्यों? तो यहाँ आते ही गर्लफ्रेंड बना? अरे नहीं माँ, ये फ्रेंड बोल बोल कर ऐसी पीछे पड़ी हुई है। सिर्फ फ्रेंड ही है या प्यार व्यार का भी चक्कर है? मैं कॉलेज में एक लड़की से फ्रेंडशिप, नहीं उससे लव करता हूँ माँ। क्या? हाँ माँ। कौन है वो? कहाँ कहाँ रहती है वो? माँ you know she is stunning, she is beautiful, बहुत सुपर लड़की है वो। सुपर है मतलब? कहना क्या चाहते हो? बताऊँ क्या माँ? हाँ बताऊँ क्या? हाँ? ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। क्यों पता नहीं डैड, उस लड़की को देखना है, उस लड़की के साथ बात करना, उसके साथ ही घूमना फिरना, उसके साथ ही रहने का मन करता है डैड, लेकिन वो लड़की मुझसे बात करने में थोड़ा सा घबरा रही है ऐसा लगता है। इसका मतलब उसके दिल में भी तुम ही हो। हे, क्या कहना चाहता है? मतलब दिल में अगर प्यार हो तो मुंह से नहीं बोल पाते। ओ, ऐसा क्या? ये आपको कैसे पता डैड? तेरी माँ के साथ मुझे अनुभव हो चुका है बेटा। डैड आपकी और माँ की लव मैरिज हुई है, प्लीज मुझे स्टोरी सुनाइए ना, प्लीज डैडी, प्लीज प्लीज डैडी प्लीज बताइए ना। ये सब मुझसे मत पूछो बेटा, जो भी पूछना है अपनी माँ से पूछो। अरे माँ प्लीज बोलो ना माँ प्लीज। तेरे पापा ना हाँ मीठी मीठी बातें करते थे। हाँ ये बात तो हमें भी पता है। चुप रहो ना। I love you darling. Darling, I'll meet you in the evening, okay? Don't be late, darling. I'll miss you, darling. मैं तुमसे शाम को मिलूंगी, तुम जाओ। ये देख, बॉयफ्रेंड तो मधु जैसा होना चाहिए। उसका स्टाइल तो देख, हीरो भी उसके सामने फीके हैं। हो गया, बहुत तारीफ कर ली, अब कैंटीन चले। ओ नो, इसे अभी आना था क्या? अरे वाह, ये तो अकेली है, दिल की बात कहने का अच्छा मौका है। हेलो। हाँ रम्या, कहाँ है तू? कब से मैं तेरा यहाँ वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ कॉलेज में ही हूँ, जरा जल्दी आना प्लीज, मैं यहीं पर रहूँगी, ठीक है? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, तू कब तक आएगी? क्या एक्टिंग करती हो तुम, वाह। हाय हाय, बच गई। ए तुम कभी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो या हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हो? इसे छोड़ो और अपने टाइप की एक लड़की देख लो। ओहो कितना एटीट्यूड दिखा रहे हो। ए अब चल यहां से। हेलो, रोड पर गाड़ी खड़ी करके तू यहाँ किसका वेट कर रहा है यार? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, जब पहली बार इसे देखा था तभी मेरे दिल ने तय कर लिया था कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। जब ये मेरी आंखों के सामने आती है तब मेरे दिल में दिवाली, संक्रांति, पोंगल, ये सारे के सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन वो मुझे समझ क्यों नहीं पा रही है? ओ ऐसा क्या, मैं उसे पूछ कर आता हूँ, ठीक है? या टेल मी। देख वैसे ये लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं, लेकिन तेरी स्पीड देखकर लगता है कि तू इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तेरा तो काम हो जाएगा। इसी खुशी पर चल कैंटीन में कुछ खाते हैं, आजा।
फू चल ठीक है पागल ही है ए, चल हाय मधु देख रही है वो आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो थैंक्स अब तो देख मैं क्या करती हूँ अरे ये क्या है ए हरी पहले हम लोगों ने ऑर्डर दिया था ना तो पहले हमें देना चाहिए ना तुझे आपका ऑर्डर अभी बन रहा है बस मैं लेकर आता हूँ पर पहले हमने ऑर्डर दिया है तो पहले हमारा बनाना चाहिए ना ए चुप हो जा यार ए तू चुप रहे हाँ ए पागल हो गई क्या वो बोल रहा है तो थोड़ा शांत रह ना एड़ी कह की क्या लड़की है ये क्या पागलपन कर रही है ओ, जाने ए, यार तूने मुझे पागल बोला ना अब तो देख मैं क्या करती हूँ क्या हुआ बेटी रो क्यों रही सर वो जो न्यू स्टूडेंट है ना सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहा है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ओह ऐसी बात है कहाँ है वो वहाँ है चलो चिंता मत करो बेटी हे तुमने बदतमीजी क्यों की सबके सामने इसका मजाक क्यों उड़ाया सर वो क्या है स्टॉप इट व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर मेरी बात तो सुनिए चुप हो जाओ बाहर आओ बात करनी है सर मैं तुम भी आओ बेटी रो मत ओके सर क्या हो गया यार थोड़ा जबान बाहर निकालिए अब बाहर आइए देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे बीच ज्यादा दिन रह पाएंगे उनकी कोई आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा करवा दीजिए सुनिए सुनिए क्या हुआ पूर्णा मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मेरी हालत ठीक नहीं है ये मैं अच्छे से जानती हूँ डॉक्टर की क्या जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है पूर्णा आप क्या सोचते हैं मुझे सब पता है मेरी चिंता मत कीजिए मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए मेरे भाई के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे वही उसकी पढ़ाई देखेंगे उनके पास इतने पैसे हैं कि हमारी बेटी आराम से रहेगी वहाँ रहने से हमें भी तसल्ली होगी उनसे मिलकर बात कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ उसकी चिंता है और कुछ नहीं रो मत अपने आप को संभालो उससे पंगा लेगा ए क्या रे तूने मुझे क्या समझ रखा था मुझे इस कॉलेज से सस्पेंड करने से पहले एक बार पूछ तो लेता तुझे पता चल जाता थोड़ी जगह क्या हूँ मैं ये हमारे प्रोफेसर को क्यों मार रहा है तूने मुझे कॉलेज जाने से रोका तो आज तुझे बीच बाजार में पकड़ा हे भगवान अब हम क्या करेंगे यार तूने ही सस्पेंड किया ना हमें कुछ तो करना चाहिए हे प्रिंसिपल की कार आ रही है सर स्टॉप 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 गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर वहाँ हमारे लेक्चरर को कुछ लोग मिलकर मार रहे हैं कहाँ बेटी सर वहाँ उन्हें पोल से बांध कर रखा है प्लीज चलकर देखिए ना सर देखते हैं बचाओ नहीं ए, रुक जाओ ए, बीच में बोलने वाला तू कौन है पढ़ाई लिखाई करके देश का भविष्य बनना चाहिए था तुम्हें और यहाँ हथियार पकड़ के गुंडागर्दी कर रहे हो शर्म नहीं आती तुम्हें छोड़ो इसे अरे वाह तू हमें यहाँ क्या प्रवचन देने आया है तेरे तो बिल्कुल सही समय पे आए हो इंसान को बातों से समझाया जाता है लेकिन गुंडों को लातों से
मधु विद इन 5 मिनट्स ये पूरी जगह साफ हो जानी चाहिए। आपने ही ग्रीन सिग्नल दिया है तो 1 मिनट में साफ साफ हो जाएंगे। गुड कैरी ऑन। प्रोफेसर को बचाने के लिए थैंक्स अ लॉट। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तुम जाती उन्हें संभाल ले? एक्सक्यूज मी, टेक 2 डेज रेस्ट, यू विल बी ऑल राइट। ओके थैंक यू सर। वो लोग कौन थे सर? वो हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ना तो खुद पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं। ये सब जाने दो, मैंने ही उन लोगों को कॉलेज से सस्पेंड करवाया, इसी का बदला उन्होंने मुझसे लिया। वो लोग नहीं सुधरेंगे। अच्छा बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तब ठीक है, आइए आपको ड्रॉप करता हूं। मधु तुम टाइम पर अगर वहां नहीं आते तो पता नहीं सर के साथ क्या हो जाता। थैंक्स, थैंक यू सो मच, आई रियली मीन इट। मधु 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 रुको, मधु 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 सुनो तो प्लीज मधु। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार बात करते हुए सुना है। तेरे ही बारे में बात करता रहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा तेरे बारे में ही सोचता रहता है। हेलो कौन बोल रहा है? बात करना। बोल दे ना, बोल। हेलो हेलो, अरे कौन है यार? मैं सपना बोल रही हूँ मधु। हाँ ठीक है सपना। सपना बोल रही हो?
सपना बोल रही हो? सच कह रही हो? हाँ सच में मैं सपना ही बोल रही हूँ। हाँ हेलो बोलो ना सपना। तुमसे कुछ बोलो सपना। कुछ बात करनी थी। कहाँ पर क्या बात? मैं अभी आऊँ क्या? हाँ कल कॉलेज के पार्क में मिले, तुम आ सकते हो क्या? मैं वहीं वेट करूंगी। हाँ श्योर मैं पक्का आ जाऊंगा। बाय। ये क्या कल मिलेगा ना? अरे बाप रे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, माफ कर दो, माफ कर दो, नहीं बचा, मर गया, मर गया, छोड़ दो, छोड़ से। सही टाइम पर पैसे नहीं चुकाते तो लेते ही क्यों? गलती हो गई दीदी, सब कुछ दे दूंगा, छोटे छोटे बच्चे इस पर माफ कर दो। पेपर पर अंगूठा लेकर इसे मार डालो, जाओ। क्या हुआ, क्या बात है? अब क्या बताऊं दीदी, हमने सोचा कि इस बेवकूफ की शादी एक अमीर लड़की से करवा देते हैं, लेकिन ये किसी और के चक्कर में पड़ गया, इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ। पापा मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। देखा ना दीदी, आपके सामने कैसी बातें कर रहा है। ए छोड़ो उसे, पकड़ के क्यों रखा है, भागेगा कहाँ वो? ए छोकरे गलती नहीं करना, गलती किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी, समझा क्या? वही कदम उठाने का जिससे माँ बाप को खुशी मिलती हो। अगर प्यार करने वाली लड़की के साथ शादी की ना तो जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो दादी। हाँ बोलो बेटा। शिवजी की बेटी के साथ मेरी शादी के बारे में क्या सोची हो? अरे वो कहीं नहीं जाएगी बेटा, वो तेरी ही बीवी बनेगी, किसी और के साथ जा ही नहीं सकती। देखो दादी आप कैसे करोगी मुझे नहीं पता, बस उस सपना के साथ मेरी शादी होनी चाहिए। हाँ ठीक है करवा दूंगी। यस थैंक यू दादी। मेरे पोते को देखकर कुछ सीख, जिंदगी में पैसों की ही जरूरत पड़ती है, दिमाग से काम ले, दिमाग से। थू बेवकूफ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मधु कॉलेज जा रहे हो? अर्जेंटली कुछ काम से जा रहा हूँ। स्कूटी खराब हो गई है, ड्रॉप कर दो ना प्लीज। मधु 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 प्लीज ड्रॉप कर अच्छा, दो ना। चलो थैंक्स। अच्छा चले। ए हाय सपना, मधु से बात की? सब ठीक है ना? कभी किसी लड़के पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। एक मिनट ये सब छोड़, चल क्लास में चलते हैं। ए हुँ? तुम कॉलेज क्यों आए हो? तुम कॉलेज आई हो और वो तुम्हारा पार्क में वेट कर रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। मैं जब पार्क जा रही थी तो मैंने देखा तुम दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए। अरे तुम गलत समझ रही हो, मधु आज बहुत अच्छे मूड में है, मैं इससे अपने दिल की बात कह ही देती हूँ। मधु मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। तुम्हें देखकर मेरी जुबान बंद हो जाती है, फिर भी हिम्मत करके एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मधु, आई लव यू। तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ मधुलता, लेकिन मैं सपना से बहुत सीरियसली प्यार करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, कम से कम हम दोनों फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ओके ना? श्योर श्योर। प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू। जा जल्दी जा, जा ना।
दिल खोल के बात कर, तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। क्यों मुमकिन नहीं है? आपकी बेटी के नक्षत्र के हिसाब से उसकी शादी किसी अनजान व्यक्ति से होनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी में विवाह हुआ तो आपके साथ उसका भी नाश हो जाएगा। शास्त्र के हिसाब से हर एक कुंडली का कोई मार्ग होता है, लेकिन इस कुंडली का कोई मार्ग ही नहीं है। एक बार और अच्छे से देखिए ना पंडित जी, आई लव यू। ये तो विधि का विधान है, इसे बदलना किसी भी तरह से संभव नहीं है। यही सत्य है, बस यही एक रास्ता है। आई लव मधु। मधु, आंटी का एक्सीडेंट हो गया यार। अगर थोड़ा चक्कर सा आए तो आप घबराइएगा मत। हे भगवान, क्या हो गया? नमस्ते डॉक्टर। मेरी माँ की कंडीशन कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है, उनके सर पर चोट लगने से थोड़ा सा खून बह गया है, इसीलिए हमें उन्हें खून चढ़ाना पड़ा। समय रहते ही हमें सही ब्लड ग्रुप का खून मिल गया, अब सब कुछ ठीक है। अच्छी बात। सुनो, दो दिन के बाद तुम इन्हें घर ले जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा नमस्ते। बेटा मधु, मैं तो बहुत घबरा गया था। सपना, मैं आपको खिलाती हूँ आंटी। मुझे भी खिला दो बेटी। क्यों? पेशेंट मेरी बहन है, तू नहीं, समझ गया? वो जो खिलाएगी अच्छे के लिए खिलाएगी। बेटी, ब्लड देने तुम क्यों गई? ये जाता तो थोड़ा पतला तो हो जाता। बस चुप भी करिए भैया, चार पांच दिनों में देखिए कितने पतले हो गए हैं। ओहो, तरफदारी कर रही हो। ओहो, सारे गांव में लोग बोल रहे थे पतला हो गया, पतला हो गया, खा ले भाई तू। बस मुझे नहीं चाहिए, बस लास्ट लास्ट, ये लास्ट आंटी। अच्छा, डॉक्टर ने तो कहा था कि दीदी को 15 दिन रेस्ट करना चाहिए, पर सपना के हाथ से खाकर लगता है दीदी 4 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। सही कहा भाभी आपने। बिल्कुल सही, सपना की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूँ। बिल्कुल सही, सपना का हम पर बहुत एहसान है। हाँ सही कहा। नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया। बस ये लास्ट, पक्का ये लास्ट है, खाइए। सपना, तू जाकर हाथ धोकर आ, मैं तेरा खाना निकालती हूँ। ओके। अगर ये सपना हमारे घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। हाय। हाय फ्रेंड्स, टुडे इज माय बर्थडे। ओह हे वाओ, हैव सम स्वीट्स। मोती की तरह चमकने वाली मधुलता को उसकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स।
I wish you many more happy returns of the day. Oh, happy birthday. Thank you. सिर्फ स्वीट्स ही दोगी? पार्टी कहाँ है? है ना, आज शाम व्हाइट ऑर्किड में है, तुम सबको आना है. पार्टी में कुछ स्पेशल है क्या? अमेरिका से मेरे मम्मी पापा 5 साल के बाद मेरे बर्थडे के लिए आ रहे हैं. पार्टी में सब कुछ होगा, बहुत मजा आएगा, जरूर आना. ओके. सच में यार, तू तो बहुत ज्यादा लकी है. कोई भी लड़की देने से पहले ये देखता है कि लड़के के पास धन दौलत है कि नहीं है, तब लड़की देता है. तेरे माँ बाप नहीं है फिर भी तू लकी है यार. ऐसा रिश्ता अगर मुझे मिला होता तो मैं अपनी मम्मी पापा की बहुत सेवा करता, लेकिन मेरा नसीब ऐसा नहीं है यार. सच कह रहा हूँ यार, ये तो सुपर्ब है. सारी उम्र एंजॉय करोगे तो भी मजा खत्म नहीं होगा, कड़क है. तुम्हारी लाइफ तो मस्ती में गुजरेगी, सच कह रहा हूँ. जिससे तेरी शादी होने वाली है वो लड़की इतनी रात को किसी और के साथ घूम रही है, क्या मतलब इसका? हे, गाड़ी निकाल बे. ओके मधु, बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर.
ऐसे कैसे चलेगा? अपनी बेटी को हमारे घर भेज, मेरा पोता पल के बिछाकर उसकी राह देख रहा है। उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो दोनों और हम सब खुश रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, इतनी जल्दी शादी कर रही हो इसलिए। आगे चलकर मेरा क्या होगा नहीं पता, मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तेरी बेटी से बोल दे कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे बात करा, एक बार वो यहाँ आ गई तो हम मना लेंगे उसे। इतना अचानक गाँव क्यों जा रही हो? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रही हूँ। क्या सपना, ये बैग का इतना वजन क्यों है? मेरे कपड़े हैं और मम्मी की मेडिसिन्स हैं। इतने सारे कपड़े, क्या बात है, शादी करके वहीं सेटल होना है क्या? सही कहा। ठीक है। जल्दी आ जाओगी ना? नहीं आऊंगी, पापा ने मेरे लिए दूल्हा ढूंढा है, वहीं उसे शादी करके सेटल हो जाऊंगी। तुम्हें फोन करके इनविटेशन दूंगी, खाना खाने आ जाना, ओके? मजाक में भी ऐसा मत कहना। इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? प्यार की बात कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मैं भी मधु, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है। चलती हूँ। तुम्हारे लिए जितनी चाहे उतनी राह देख सकता हूँ, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। माँ, मेरी बेटी आ जाओ। कैसी हो माँ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटी, तुम सफर में थक गई होगी, जाके आराम करो। मालकिन जी। हाँ, नीचे सब लोग आ गए हैं, आपको जूस लेकर जाना है। मैं ले जाऊं? पर मैं क्यों? कैसे हो भैया? मैं ठीक हूं दीदी। मेरी बेटी सपना और वो है मारी दीदी और उनका पोता अर्जुन। जूस दो। वो लोग तेरा रिश्ता लेकर आए हैं बेटी। मुझसे एक बार भी पूछे बिना आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया। सपना, शुक्रिया दीदी। हाय सपना।
हे, क्या है मधु, फोन बंद करके कहाँ घूम रहा था? क्या बात कर रहे हो, बैटरी खत्म हो गई है ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? सपना का फोन आया था, बात क्या है कुछ पता नहीं। इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? मधु, सपना ने अर्जेंटली कॉल करने को कहा है। क्यों? मुझे नहीं पता, उसने बस कॉल करने को कहा है, तुम कॉल कर लो। हेलो मधुलता। अरे मैं मधु बात कर रहा हूँ। मधु। ए सपना, रो क्यों रही है? मेरे घर वालों ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है मधु। I'll do something, you don't worry. मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या हुआ बेटा? सपना का रिश्ता मांगने के लिए लड़के वाले आए थे कह रही है। तो सारे घर वालों ने उस रिश्ते को सम्मति दे दी है। इसलिए सपना बहुत ही टेंशन में है। इतनी सी बात है, सुनो शिवा को एक बार फोन लगाओ, मैं उससे बात करता हूँ, उससे बोलूंगा कि सपना को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा तो वो ना नहीं कहेगा। एक मिनट, इस तरह की बातें फोन पर नहीं की जाती, हम लोग वहाँ चले जाते हैं ना। हाँ अंकल, हम सब जाएंगे तो सपना थोड़ी खुश हो जाएगी। चलो चलो चलो। आओ। क्या बात है, सब लोग एक साथ चले आए। अरे एक बार फोन करके बता तो दिया होता तो ठीक है, हम फोन करके आते हैं। रुको, मजाक कर रहा हूँ, चलो आओ। आ जाओ। नमस्ते, आइए। नमस्ते भाभी जी। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजा। आप सब लोग थक चुके होंगे, सबके लिए जूस लेकर आओ सपना। हाँ बेटी, लेके आओ। ए रुकना, कहाँ जा रहा है? सपना से बात करके आता हूँ। अरे पूर्णा, अपने दादाजी की पोती की शादी में आया था ना मधु, उसके पिता है बालू। नमस्ते, मेरा जिगरी दोस्त, और ये है उनकी पत्नी गीता। हम लोग बचपन में बहुत मजा करते थे, साथ में ही घूमते थे। हमारी बचपन की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, इसलिए हम ये रिश्ता मांगने आए हैं। क्या मतलब? तुम्हारी बेटी सपना का इनके बेटे मधु के लिए हाथ मांगने आए हैं। नहीं। क्यों शिवा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए इसे भूल जाओ। लेकिन क्यों? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे से सब कुछ पता है मुझे। तो शादी क्यों नहीं करवाना बस चाहते? नहीं कर सकते। क्या हुआ भाई साहब, हमारा रिश्ता आपको पसंद नहीं आया? कैसी बात करती हो भाभी, आपके जैसा परिवार मुझे कहाँ मिलेगा? मेरी बेटी सपना आपके घर की बहू नहीं बन सकती। अरे यार शिवा, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखो मेरी इकलौती बेटी है ये, मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी जाए वहाँ बहुत खुश रहे। बिल्कुल रहेगी, वो उस घर में हमेशा खुश रहेगी। लेकिन तुम्हें इस शादी से इतनी तकलीफ क्यों है? बात तकलीफ की नहीं है, मेहमान बन के आए हैं, मेहमान बन के ही जाइए। क्यों, किस लिए, इन सब में मत फंसिए। कोई लेकिन और होता तो हम यहाँ से उठकर चले जाते, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो, ना तुम मेरे लिए पराये हो ना मैं तुम्हारे लिए पराया। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। पापा आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? पापा क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मधु से तुम शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी, लेकिन तुम्हारा ससुराल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी शादी होने के 6 महीने बाद तुम्हारी सास के लिए खतरा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का परिवार तबाह हो, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शिवा जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होगा, मैं तुझसे कहता हूं सब ठीक हो जाएगा, तुम एक बार बस इनकी शादी के लिए हाँ कह दो। सुनो मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बदलता नहीं, और सुनो अगर मेरी इज्जत करते हो तो यहां से चले जाओ। लेकिन शिवा। चले जाओ।
अरे माँ, खाना सामने रखकर इतना सोचता है क्या कोई? चलो मुझे भूख लगी है, खाना जल्दी से परोसो, मुझे कॉलेज जाना है। जल्दी करो। सिर्फ 15 दिन वो हमारे साथ थी, फिर भी हम उसे भूल नहीं पा रहे। और एक तुम हो, ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ए? मुश्किल तो है पापा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा था, तुमसे बात करने का मन किया इसलिए यहाँ बुला लिया। अगर हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हमारे प्यार में सच्चाई है, तो मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी मधु। किसी इंसान को दूसरे इंसान को मारने का हक नहीं, जानबूझकर किसी की जान को खतरे में डालना गलत होगा। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है। ऐसा प्यार जो माँ की जान ले ले, उसकी हमें क्या जरूरत। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में कुर्बानी देनी ही पड़ती है, हमारा प्यार सच्चा है तो हमें भी ये करना होगा। मुझे भूल जाओ मधु, मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। सच में सपना, एक प्यार करने वाला लड़का प्रेमिका के पास अपना प्यार एक्सप्रेस करता है, उसी तरह मैंने भी तुम्हें मजबूर किया, प्यार करने के लिए जबरदस्ती की। सब कुछ मैंने ही किया और अब खुद ही अपने प्यार को मार डालना मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन तुमने मेरे दिल की बात समझकर मुझसे पहले ही सब बता दिया, यही तो सच्चे प्यार की पहचान होती है। जो भी तुमने किया, किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, बस उसके रूप में अपने मम्मी पापा को देखा है। एक औलाद के लिए धरती पर वही तो भगवान बनकर आते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। जिंदगी भर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए त्याग ही तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे प्यार को उन लोगों के सामने कुर्बान करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। प्यार करने के मामले में मैं ही सच्चा हूं ऐसा तुम्हें महसूस करवाया, लेकिन कुर्बानी देने में एक तुम ही सच्ची हो या तुमने बता दिया। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, हम खुशी खुशी दूर हो जाएंगे। मुसीबत में जरूरत पड़ी तो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहेंगे। सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हाँ कहो ना। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। इन 25 सालों में मैंने आपसे कभी भी अपने लिए कुछ भी मांगा है क्या? नहीं, लेकिन गीता ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, अगर नहीं कहूंगी तो मुझे बहुत पछतावा होगा, और इसे आप मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। गीता ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आखिर ऐसा क्या हो गया है? आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को बिना बताए भाग जाते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, और फिर कभी कभी जेल में भी जाते हैं। ये सब आम बात है। लेकिन हमारे मधु और सपना एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते हैं, फिर भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं रहे। उन्होंने फैसला किया है कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब आपका और मेरा क्या है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है,
जिंदगी का सुख दुख सब कुछ अनुभव कर चुके हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। जानबूझकर उनका प्यार हम कैसे मार दे, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने उन दोनों की शादी देखना चाहती हूँ, उन्हें पति पत्नी बने देखना चाहती हूँ, उनके बच्चे देखना चाहती हूँ। उसके बाद ही मुझे दिल से खुशी मिल सकती है उनके प्यार को जिंदा रखने के लिए। अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये सब आपको करना होगा, वादा कीजिए। हेलो हेलो सपना जी। माँ जी कैसी हैं आप? मैं खुश नहीं हूँ बेटा। क्यों माँ जी, क्या हुआ? किसी कली को खिलने से पहले ही तोड़ने की कोशिश की जाए तो मैं चुप नहीं रह सकती बेटी। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मेरा बेटा ही सब कुछ है, अगर वो खुश नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी बेटी। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। नहीं माँ जी, अब कुछ नहीं हो सकता। कल ही मेरी शादी की तारीख तय की गई है, अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता माँ जी। किसी और से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या सोचती हो ये बताओ। मैं क्या कहूँ आपसे माँ जी, आपके बेटे से शादी करूँ और आपका घर बर्बाद हो जाए, ये कहूँ या ये कहूँ कि मेरी वजह से मधु की जान चली जाए? विधि में तो लिखा है कि आपकी समाधि के बाद ही मुझे खुशियाँ मिलेंगी। नहीं माँ जी, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें। सुनो बेटी सपना, हर इंसान को एक न एक दिन तो मरना ही है। कुछ लोग मौत का नाम सुनकर डर जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कितना जीने वाला है। अगर तुम मेरे घर की बहू बनोगी तो शायद मैं 6 महीने जीऊंगी, लेकिन अगर किसी और लड़के ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं मर जाऊंगी बेटी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुम्हें बताओ, तुम मुझे कुछ दिनों तक जिंदा देखना चाहती हो ना? मुझे कुछ दिनों तक जिंदा रहना है बेटी। Thank you.
सपना सपना पापा क्या सोच रही हो बेटी? सच कहूं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारा और मधु का जन्म जन्मांतर का साथ है, इसलिए कल तुम्हारी शादी मधु से होगी। कल सुबह वो लोग आ रहे हैं। पापा लेकिन अब मुझसे और सवाल मत पूछो, बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ओके? पापा करके बोल दे के काम हो चुका है। बोल। क्या हुआ बे? भाई। बोल। भाई। अरे बोला क्या हुआ? उसे खत्म कर दिया भाई। सपना मेरी अबे। ये शिवन मुझे धोखा देगा क्या? मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूं। वो लोग सपना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमारी सपना को उसका बेटा पसंद है, ये मुझे अभी पता चला। आप लोग बड़े लोग हैं, दिल को भी थोड़ा बड़ा कीजिए और इस शादी के लिए मान जाइए। आपको साथ में रहकर इस शादी को करवाना होगा। सुन ले शिव, एक बार अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ तो वो करके ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकती नहीं। लेकिन तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सच में अंकल, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। मैं भी अब तक बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं और दादी साथ में रहकर ये शादी करवाएंगे। बहुत खुशी हुई बेटा। उसने तो कहा था कि ये मर गया, लेकिन ये साला तो अभी तक जिंदा है। अंकल सपना कहाँ है? वो अंदर है बेटा। नमस्ते 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 नमस्ते। छह वो साला मरा नहीं। ओ इस पूरी दुनिया में तेरे जैसी लड़की नहीं, ना आसमान पे ना इस धरती पर, तू ही मेरी जिंदगी है, तू है तुझ पर। क्या कहा था कि काम हो चुका है, कैसा काम किया तूने, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते तुझ पर। आज तक काम के लिए दूसरों को भेजता आया हूँ, लेकिन अब मैं अपना काम खुद करूंगा।
हे सपना, ये तुम क्या कर रही हो? अंकल ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी? बताया, इसलिए तो मरने जा रही हूँ। ओह, ये तुम क्या बोल रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें और उस अर्जुन को अगर कंपेयर करें तो वो अर्जुन तुमसे अच्छा ही है मधु। तुम तो अपनी माँ की जान को ही खतरे में डाल रहे हो। हमारी शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में होगी, ये जानकर भी वो हमारी खुशी के लिए हमारी शादी करवा रही हैं। अर्जुन ने भी अपने प्यार की कुर्बानी दी। तुमने मेरे दिल से प्यार किया या मेरे शरीर से किया है? अगर शरीर से ही प्यार किया है तो अपनी इच्छा पूरी कर लो, कर लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। बस इतना ही समझाया तुमने मुझे? उन्होंने मुझे अपना खून देकर, अपना दूध मुझे पिलाकर, पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ, हमेशा खुश और संतोष के साथ रहने वाली उस देवी के साथ कुछ बुरा होगा ये बात जानकर मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता। सच बात तो ये है कि सारी सच्चाई अब मुझे ही बतानी है, इसलिए बालू ने मुझे फोन करके यहां बुलाया। मधु, हम चाहते थे कि यह सच्चाई तुम्हें कभी भी पता ना चले, लेकिन हालात से मजबूर होकर वो सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ रही है। वो सच जानने का वक्त आज आ गया है मधु। मधु, ये बात सुनकर धैर्य रखना। एक बार जानते हो, तुम इनके सगे बेटे नहीं हो। अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? अंकल, ये सच है बेटा। नहीं अंकल, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। नो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं मानोगे, मैं जानता था, लेकिन यही सच है मधु। उस दिन अब गीता, यार गीता सीढ़ियों से गिर गई है। क्या कह रहे हो? मैं अभी आता हूं। I'm really very sorry. मैंने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक को ही बचा पाया। I'm really sorry. Sorry. हे भगवान, बालू, अपने आप को संभाला बालू। सर, पेशेंट आपको बुला रही है। मैं अभी आया। मेरा बचपन अब मुमकिन नहीं है सर। मेरे बच्चे को अपना कर इसे एक नई जिंदगी दे दीजिए सर। मैंने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक को ही बचा पाया। आई एम रियली सॉरी। मेरे बच्चे को अपना कर इसे एक नई जिंदगी दे दीजिए सर। हाँ बेटा, हाँ मधु, इन्होंने जो भी कहा वो सच है। बेटा मधु, हमने तुझे कभी पराया नहीं समझा, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं।
हम तेरे बिना जी नहीं सकते बेटा, बिल्कुल जी नहीं सकते। मेरे बच्चे तू ऐसा कभी मत कहना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है बेटा, नहीं तो हम सह नहीं पाएंगे बेटा, हम मर जाएंगे। नहीं पापा, मेरी आखिरी सांस तक मैं आपका ही बेटा रहूंगा। बेटा हाँ शिव भाई, उस दिन आपके दोस्त का परिवार खतरे में पड़ जाएगा सोचकर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की, लेकिन आज आपके दोस्त का परिवार फिर आपसे मिलने आ रहा है। आपसे विनती है, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। हाँ क्यों नहीं, पक्का करवा देंगे, शानदार तरीके से करवाएंगे। मतलब ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं। माँ बाप नहीं होने का दुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूं। आज इनको मारकर उनकी माँ को दुख पहुंचाने का काम मैं नहीं कर सकता हूं। छोड़ो, इन लोगों को हमेशा खुश रहने दो। ये बात किसी को नहीं पता और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई ये जाने। सपना, मेरी जिंदगी में मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक मां को पलकों पर बिठाऊंगा। मां को मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन मेरी मां की ये इच्छा है कि तुम ही उसकी घर की बहू बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्यार करते हैं वो एक नहीं हो पाएंगे ऐसा सोचना गलत है, और प्यार में जिंदगी खत्म हो जाती है ये सोचना भी गलत है। भगवान का खेल भी बहुत निराला होता है, कोई अपना प्यार पा लेता है तो कोई खो देता है, लेकिन इसके लिए आत्महत्या करना कोई रास्ता नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है। आपका प्यारा दोस्त दर्शन।